नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ शरद। प्यार की खातिर गैर कानूनी तरीके से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर बन रही फिल्म का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। मेकर्स ने फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी और इसका पहला गाना भी 20 अगस्त को रिलीज कर दिया जाएगा। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कथित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर सीट से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मैदान में उतारने का विचार कर रही है। भारत अब चांद पर पहुंचने से कुछ ही कदम की दूरी पर है। मिशन चंद्रयान 3 हर दिन गुजरने के साथ ही चांद के और ज्यादा करीब पहुंच रहा है। गुरुवार 17 अगस्त को विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया। शरद पवार के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली बार मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा और मैं देख सकता हूं कि उस बयान का भाग अभी भी बरकरार है, कुछ लोग अभी भी भयभीत हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पत्नी ने पार्टी से सभी मंत्रियों को ताज होटल में खाने पर आमंत्रित किया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री अजित पवार शामिल नहीं हो पाए। जयपुर मुंबई ट्रेन गोलीकांड के आरोपी चेतन सिंह को रेलवे ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। चेतन से इस समय न्यायिक हिरासत में है। चेतन 31 जुलाई को चलती ट्रेन में अपनी ही सीनियर 3 यात्रियों की गोली मारकर उन्होंने हत्या कर दी थी। सनी देओल की गदर 2 इस साल बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने वाले फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गई है। हालांकि 7वें दिन कमाई की रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अब भी गदर 2 अक्षय कुमार के OMG 2 से 4 गुना ज्यादा कमाई कर रही है। राहुल गांधी के लेह लद्दाख दौरे में बदलाव किया गया है। राहुल गांधी अब 25 अगस्त तक लेह लद्दाख में रहेंगे, जहां वो स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के अलावा कारगिल का दौरा भी करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव भले ही अगले साल होना हो, लेकिन माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी प्रेसिडेंट बनने के रेस में शामिल है। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने शाहरुख खान और करण जौहर पर निशाना साधा है। एक इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि दोनों ने मिलकर देश का सांस्कृतिक ताना बाना बर्बाद कर दिया है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यह लगातार चल रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर।